सो हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज रॉकी ज़ेड बैक अगेन विद अ न्यू व्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 7, मैं हो चुका हूँ रेडी और आज हम लोग जा रहे हैं नवाबों की नगरी लखनऊ। सो आइए आपको लेकर चलते हैं, लेट्स गो। तो हम अभी जा रहे हैं ट्रैवलर लेने के लिए। हमारा ट्रैवलर जो है मेन रोड पर खड़ा है बाहर, और मेरे साथ इस टाइम आमिर भाई, देख सकते हैं आप, और बाइक से जा रहे हैं। तो मिलते हैं ट्रैवलर में। अभी है इस टाइम ट्रैवलर पूरी की पूरी खाली और ये भरने वाले बैठूंगा और आराम करता हुआ जाऊंगा, सोता हुआ। मेरा व्लॉग बनाने में आमिर भाई सबसे ज्यादा साथ दे रहे हैं, थैंक यू सो मच आमिर भाई। ये है मुरादाबाद का ब्रिज। देखो यार, ब्लॉगिंग भी कर रहा है साथ में, ये लाइव बैठा है पता नहीं कौन सी ऐप पे। सारे रास्ते इसने हमारा दिमाग खराब कर दिया। इधर 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 बिरयानी पे, बिरयानी खाने चल रहे हैं। सबसे पहले बिरयानी खाएंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर रुके हैं अभी मुरादाबाद, हम लोगों ने कार करा है और आलम चिकन बिरयानी ये है यहाँ पर रामपुर रोड पर। अभी हमने मुरादाबाद पार कर लिया है और मेरे साथ हैं यहाँ पर ये रही हमारी भाभी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, अभी खाया नहीं है। अभी खाया नहीं है, अभी सिर्फ होटल पे बैठे हैं और अभी इंतज़ार कर रहे हैं, आते ही ये बोटियाँ तोड़ेंगी बिरयानी की। व्हाई नॉट, तो हम दिखाते हैं बिरयानी। अब हम यहाँ पर आए हैं शिवा टूरिस्ट ढाबा, वहाँ पर बिरयानी नहीं बनी हुई थी तो यहाँ पर ही खाना पड़ेगा हम लोगों को। और ये देखो, ये है यहाँ का रिसेप्शन खाना। अंदर बैठ जाओ ना, अंदर सभी साथ में आ जाओ। तो भाभी आपकी बिरयानी तो कैंसिल, कैसा लग रहा है आपको? वेरी सैड फीलिंग, सैड फीलिंग, इट्स ओके, बट वेज खाएंगे। मेरी बोटियां रह गई। इट्स ऑल राइट, फिर वहाँ जाकर बोटियां तोड़ना शादी में। yes, yes. जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं आप देख सकते हैं हमारे सब लोग आ रहे हैं। हाँ तो भाभी, आपको पराठा कैसा खा के कैसा? जासिम भाई आपको कैसा लगा? तो रेस्टोरेंट में हमने खा लिया है आलू का पराठा, दाल मखनी, रोटी और आप क्या मेरा अब जाके हमने लखनऊ में एंट्री करी है। रात के बज रहे हैं 8:30 और हम हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा लेट, क्योंकि रास्ते में हम जाम में फंस गए थे और मेरा कैमरा और मोबाइल दोनों ही ऑफ हो गए थे दोपहर लंच करने के बाद ही। तो कैमरे तो मैंने जैसे तैसे करके चार्ज कर लिया है और अब हमें सीधा पहुँचना है स्टार पैलेस। We'll be right back.
फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। पूरे 12 घंटे बल्कि और ज़्यादा लग गया टाइम यहाँ तक पहुँचने में। फिर रास्ते में बहुत ज़्यादा जाम मिला। हाँ सब उतरेंगे, मैं भी तो उतरूँगा, 12 घंटे से बैठा हूँ इसमें। ये है स्टार पैलेस। एक एक करके आते रहिए। इल्मा भाभी कैसा फील कर रही हैं आप इस टाइम? फीलिंग ऑसम, बट मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया। अभी हमारे और भी साथी अंदर रह गए हैं, लगते हैं सब लोग अभी फंसे हुए हैं अंदर ही। मैं शीशा खोलता हूँ। अरे उतर जाओ भैया जल्दी जल्दी। आमिर भाई कैसे, क्या कर रहे हो? रास्ता जाम है भाई। रास्ता जाम है, रास्ता जाम। कृपया करके जल्दी जल्दी से उतरे, भूख लग रही है बहुत तेज। और हमारे जोदत भाई तो पूरे रास्ते सोते हुए आए हैं। भाई इस बंदे ने पका दिया पूरी तरह से, पूरे रास्ते इसने पकाया। पूरे रास्ते थका हुआ आया हूँ, 12 हमें पकाता हुआ आया है जी। नहीं देखो यही है वो शख्स, पूरे रास्ते सोता हुआ आया हूँ। यही है वो शख्स जिसने सबको पकाया, पूरे बस के बस वालों सबको पका रखा है। देख सकते हैं हमारे आमिर भाई आइसक्रीम खाते हुए कितनी बेहुदा तरीके से खा रहे हैं। एक हमारे जोदत भाई, ही इज वन ऑफ द हीरो। देखिए ये शख्स कैसे भर रहा है आइसक्रीम। देखो देखो कितना बड़ा मुंह फाड़ रहा है। इस लड़के को शर्म नाम की चीज नहीं है। ये देखिए ये देखिए, ये वाहियात इंसान। ये हमारी भाभी जी आइसक्रीम खाते हुए जो खाने को नहीं मिल रही हाथ में लिए घूम रही हैं। भैया ब्लॉग दे रहा है, मुझे भी दिखा। तुम्हें भी दिखाना, बाद में बात करना। इस शख्स को देखते हैं, ये देखिए कितना शरीफ है। ये देखिए हमारे साथ, ये देखो आपी आपी बेटा इधर देखो। हमारे जासिम भाई भी रेडी हो चुके हैं पार्टी के लिए। है नीचे गोली तो दिखा, गोली तो तुम हो इनके। कैसे आओ, ये जासिम भाई के सर्वेंट है, पीए है, पर्सनल असिस्टेंट। अरे ऑटो बातें कर लो। रफी कैसा फील हो रहा है आपको इस टाइम? तो हमारी भाभी तैयार हो चुकी है, ये हमारे जासिम भाई, बेस्ट कपल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खाना स्टार्ट हो चुका है। ये हमारा रॉकी जेड द जानवर, क्या हम इसे जानवर बोलते हैं। ये देखिए कैसे हड्डी बोटी चबा रहा है। प्लेट देख सकते हैं आप इसकी, कैसे भर के खाया है। ये आसपास की प्लेटें सारी इसने हिसाब कर रखी है। अपनी भी बता दो ना, आपकी भी मेरी प्लेट है। कैसे भर के खा रहा है, खुश है। हमको टाइम हो चुकी है आधी रात और हमारे आमिर भाई भी काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ। 12 घंटे पूरे दिन सफ़र करा हमने और अब जा रहे हैं हम लोग वापस बिजनौर। फिर से 12 घंटे सफ़र करना है। तो आई होप आप लोगों को ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया हो। तो ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।